हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस लाइव। माथुर्स क्लासेस लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट अपडेट, जो क्या है कि जिनके सप्लीमेंट्री या बैक वाले स्टूडेंट थे और बहुत दिनों से वो वेट कर रहे थे कि मैडम फ़ीस कब जमा होगी, एग्ज़ाम की फ़ीस कब जमा होगी, तो अब आपके फ़ीस जमा होने का समय आ गया है। तो इसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त। 10 अगस्त तक आपको फ़ीस जमा करानी है, चाहे सप्लीमेंट्री वाले हो और जो 2018 या 2019 में जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो भी फ़ीस, जिनकी जमा नहीं हुई थी वो भी फ़ीस जमा करा सकते हैं। तो 2018 वाले और 2019 वाले स्टूडेंट भी कई सप्लीमेंट्री वाले हैं, तो उनकी अब फ़ीस जमा कराने की डेट आ गई है। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि फ़ीस कैसे, कितनी कितनी, कौन कौन से सब्जेक्ट में जमा करानी है। तो देखो, ES और WC में जिसकी बैग आई हुई है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, किसी के बैग है मतलब दोनों में से एक सब्जेक्ट में, तो आपको 45 मिनट का टाइम का एग्ज़ाम होगा और 213 रुपये फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। दूसरी बात है, जिसके सिर्फ ट्रेड थ्योरी में बैक आई है, सिर्फ ओनली थ्योरी में, चाहे कोई भी ट्रेड का हो, उसका 90 मिनट का एग्ज़ाम होएगा, CBT एग्ज़ाम ही होगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और उसकी फ़ीस 213 रुपये ही है। फिर आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसके दो सब्जेक्ट में बैक है, मतलब कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस दो सब्जेक्ट में बैक है, तो उनका पेपर 90 मिनट का होगा, CBT एग्ज़ाम ही होगा और 213 रुपये उसके एग्ज़ाम की फ़ीस आपको जमा करानी पड़ेगी। चौथी बात आ जाती है, जिसके ट्रेड थ्योरी में भी बैक है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में बैक है, या ट्रेड थ्योरी में है और ES में बैक है, तो उनके 2.25 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 376 रुपये फ़ीस जमा करानी है। समझ में आ गई? चौथी बात आ जाती है, पांचवी बात आ जाती है, जिसके ट्रेड थ्योरी में भी बैक है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में भी बैक है और ES में भी बैक है, तो उनको तीनों सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए 3 घंटे का समय रहेगा और 376 रुपये फ़ीस आपको जमा करानी पड़ेगी। और जिनके इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है, उनकी फ़ीस 200 रुपये है और वो अपने इच्छा अनुसार जाके ई मित्र पे जाके जमा करा सकते हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग तो क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए फ़ीस अलग होगी। अभी ये CBT एग्ज़ाम का है, तो CBT एग्ज़ाम की फ़ीस निम्न अनुसार है, वापस से मैं बता देती हूँ, जिसके ES या वर्कशॉप कैलकुलेशन में बैक है, उसका 45 मिनट का पेपर होगा, 213 रुपये फ़ीस लगेगी। जिसके सिर्फ थ्योरी में ही बैक है, उसके 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 213 रुपये फ़ीस लगेगी। और जिसके ES और WC दोनों में बैक है, उसके 90 मिनट का पेपर होगा, 213 रुपये फ़ीस है। और जिसके थ्योरी और WC में है या थ्योरी और ES में है, दो सब्जेक्ट में है, तो 2.25 घंटे का टाइम होगा, 376 रुपये फ़ीस लगेगी। और जिसके थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ES तीनों में बैक है, उनके 3 घंटे का पेपर होगा और 376 रुपये फ़ीस लगेगी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की 200 रुपये फ़ीस है, तो आप जमा करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ई मित्र पे जाके या अपने मोबाइल से कैसे भी हो आप फ़ीस जमा करा सकते हैं। और इसकी लिंक जो है, आपको NCVT MIS पर आपको लिंक मिल जाएगी, स्टूडेंट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको उसमें लिंक मिल जाएगी। तो 2018 के स्टूडेंट हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री बैक पेपर का, और जो 2019 में जिनके बैक पेपर हुआ था उन दोनों के लिए है, और जिनके एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, न्यू फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही अपडेट है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। पूरी वीडियो को देखिए, लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके एग्ज़ाम हैं तो एग्ज़ाम्स के पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बना रखी है। माथुर्स क्लासेस के चैनल पे आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं, और लाइव क्लासेस में आपको अपडेट भी मिलता रहेगा और आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे टाइम टेबल के साथ में।